हेलो और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम इसमें बात करने वाले C3B बैंड रिलीज हो चुका है, जो कंपनसेशन लेटर आउट हो चुका है C3B ग्रेड वालों के लिए। सो मैं आपको बता दूं कि कितना मैक्सिमम हाइक मिला, वो 4% ही हाइक मिला है। सो पहले मैं आपको बता दूं यहाँ हायरार्की ऐसी C1 C2 C3 ए C3 B, ठीक है। C1 बोलते हैं सिस्टम इंजीनियर, C2 बोलते हैं IT एनालिस्ट बन चुके हैं, तो जो एसोसिएट कंसल्टेंट होते हैं उसको बोलते हैं C3 A, C3 B जो होता है असिस्टेंट मैनेजर है आपको कंसल्टेंट उसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये हायरार्की तो उसके बिलो भी होते हैं, उसके अबव भी होते हैं, बट थोड़ा समझाने के लिए मैंने इतना ही ग्रेड लिया है हायरार्की का भी। सो फिलहाल अब मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा अगर जरूरत पड़ेगी समझाने के लिए कि क्या क्या हायरार्की होती है इसमें, ठीक है। सो यार मैं बता दूं कि 4% ए बैंड के लिए 3% मिला है, बी बैंड के लिए, सी बैंड वालों के लिए 2% ही हाइक मिला है। आप समझ सकते हैं कितना सीनियर मैनेजमेंट को हाइक मिलता है, बट जनरली जो C1 C2 ग्रेड वाले एम्प्लॉयज थे उनको, या बिलो वाले जो एम्प्लॉयज थे उनको मिल गया था हाइक भाई मे में ही। सो उनका थोड़ा हाइक सही था, 6-8% था, बट सीनियर मैनेजमेंट वालों के लिए थोड़ा अलग ही हाइक होता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये थोड़ा आइडिया आपको लग गया होगा कैसे कैसे हायरार्की होती है थोड़ा, और कितने हाइक मिलते हैं। सो आपको ढेर सारी ऐसी नॉलेजेबल वीडियो मिलेंगी, सो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं, आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगा। बहुत ही शॉर्ट टाइम में मैंने अच्छे अच्छे वीडियो समझा रखे हैं। सो अगर आप मेरे चैनल आप पे फर्स्ट टाइम पे आए तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ आप सबके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।